सब्सक्राइब कीजिए हमारे ई कॉमर्स आइडियाज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ अमेजन को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अपना जो अमेजन का लिस्टिंग है वो आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, प्रूडेंस इन योर कीवर्ड्स। तो आप अमेजन पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, कोई भी हो, आपको पता है कि कीवर्ड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिस्टिंग को विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपको लिस्टिंग को बायर तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट पे आप डील करते हैं, तो हो सकता है शू, बैग, या आप कोई भी प्रोडक्ट पे ऊपर डील करते हैं, फैशन के कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है, तो आप ऐसे कीवर्ड्स डालिए कि सिर्फ बैग अगर करते हैं तो बैग मत डालिए, या शू करते शू मत डालिए, उसको प्लस नंबर में डालिए, बैग्स करके डालिए, वहाँ पे शूज़ करके डालिए, शर्ट्स करके डालिए, ऐसे कीवर्ड्स डालिए ताकि बायर अगर बैग करके भी सर्च करे तो भी विजिबिलिटी आपको प्रोडक्ट को मिले, अगर बैग्स करके भी सर्च करे तो भी कस्टमर को प्रोडक्ट आपको कस्टमर को दिखे। तो ऐसे करके आपको कीवर्ड्स बनाना है, ऐसे करके कीवर्ड्स डालना है, कभी भी सिंगुलर नंबर में नहीं, प्लस नंबर में डालिए, तो आपका अकाउंट, आपका जो प्रोडक्ट है उसका विजिबिलिटी बढ़ेगा और बायर्स तक वो पहुँचेगा। टिप्स नंबर 2, कीवर्ड्स इन योर टाइटल। अमेजन का जो लिस्टिंग करने का प्रोसेस है, वहाँ पे पहला जो है आपका टाइटल पे आपका ब्रांड का नाम देना होता है, आपका ब्रांड ABC, XYZ कोई भी हो सकता है। तो आपका ब्रांड नेम के बाद आप उस प्रोडक्ट का जो टाइटल, मतलब प्रोडक्ट अगर आप बैग पे सेल करते हैं या आप शर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट आप करते हैं वहाँ पे, सब उसके मान लिया बैग सेल करते हैं तो वहाँ पे अगर लेडीज़ बैग्स हो तो वहाँ पे आप हैंड्स बैग करके दीजिए, ताकि बायर जब प्रोडक्ट सर्च करेगा, क्योंकि अमेजन का एल्गोरिदम ऐसा है कि टाइटल सबसे ऐसा होता है कि उसका भी कीवर्ड सर्च करके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी बढ़ाता है। तो एल्गोरिदम के, अमेजन के एल्गोरिदम के हिसाब के आपका जो कीवर्ड देना है, आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल देना है, वहाँ पर भी वो जनरेट होता है। तो उसके बाद आप हैंड बैग करके वहाँ पे दीजिए, सिर्फ बैग्स मत दीजिए, या जो लेडीज़ बैग, लेदर बैग ऐसे करके मत डालिए, हैंड बैग दीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट का बायर हैंड बैग करके ढूंढे या बैग करके ढूंढे, वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम हिसाब से वो जनरेट होता है। तो इसलिए आपका जब कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसके इंपॉर्टेंट जो टाइटल जो है उसके अंदर भी वो कैलकुलेट, मतलब कीवर्ड्स भी वो सर्च के अंदर आते हैं, तो उस टाइप का टाइटल दीजिए जहाँ पे आपका प्रोडक्ट के उस विजिबिलिटी बढ़े और कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट दिखे। टिप्स नंबर 3, प्रायोरिटाइज कीवर्ड। ये एक और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लिस्ट करने के टाइम इतना सारा कीवर्ड्स दे दिया, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा आप कीवर्ड्स देंगे और आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी उतना ज़्यादा ही मिलेगा। तो जो कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के हिसाब से मैंडेटरी है वो ही आप वहाँ पे डालिए, जिस जो कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है वो कीवर्ड्स वहाँ पे डालिए। जैसे आप, मैंने पहले एग्जाम दिया बैग्स की, तो वहाँ पे आपका कीवर्ड्स जो है, अगर आपका प्रोडक्ट लेडीज़ बैग्स है तो आप लेडीज़ बैग डालिए, हैंडबैग डालिए, बैग डालिए। अगर उस टाइप का नहीं है तो अननेसेसरी ऐसे मत कीवर्ड्स डालिए कि बैग्स फॉर बॉयज़, बैग्स फॉर मेन, ऐसे करके मत दीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ गर्ल्स के लिए है या लेडीज़ के लिए है तो आप लेडीज़ बैग, बैग फॉर गर्ल्स ऐसे करके डालिए, मेन मैंडेटरी जो प्रायोरिटाइज जो कीवर्ड्स है वही डालिए, अननेसेसरी कीवर्ड्स वहाँ पे मत यूज़ कीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट का जो विजिबिलिटी है वो तो एल्गोरिथम के अमेज़न के एल्गोरिथम के हिसाब से वो जनरेट नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो कीवर्ड सबसे प्रायोरिटाइज है वही कीवर्ड पहले आप यूज़ कीजिए, उसके बाद उसका अगर आप देना चाहते हैं कोई भी एक्स्ट्रा कीवर्ड तो आप यूज़ कर सकते हैं। टिप्स नंबर 4, बुलेट पॉइंट्स। अमेज़न की एल्गोरिथम के हिसाब से जो कीवर्ड्स टाइटल से और आपका जो सर्च कीवर्ड आप देते हैं और बुलेट पॉइंट्स जो है सब मिला के कीवर्ड्स जो है वो जनरेट होता है और सर्च रिजल्ट में आते हैं कस्टमर तक। तो इसलिए आपको बुलेट्स पॉइंट्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुलेट्स पॉइंट के अंदर जितना आपका प्रोडक्ट का फीचर्स है वही डालिए, क्योंकि वो भी जनरेट होता है सर्च कीवर्ड्स के हिसाब से काम आता है और वो भी आपका प्रोडक्ट विजिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प होती है। इस वजह से आपका जो प्रोडक्ट का मेन जो फीचर्स है वही सिर्फ आप बुलेट्स पॉइंट्स में डालिए, अननेसेसरी टेक्स्ट वहाँ पे मत डालिए, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मत डालिए, सिर्फ जो जो फीचर्स आपके प्रोडक्ट पे अवेलेबल है, आपके प्रोडक्ट पे स्पेशल है, वही आप बुलेट्स पॉइंट्स पे डालिए। एंड टिप्स नंबर 5, और यह है लास्ट टिप, मोर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। तो कोई भी आप
अमेजोन में प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट का जो फीचर्स है वो आपने बुलेट पॉइंट में डाला, जो स्पेशल फीचर्स है, और उसके अलावा भी बहुत सारा आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स रहता है, कंटेंट रहता है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए उन प्रोडक्ट की लिस्टिंग की। तो ये नहीं कि आप लिस्टिंग में आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताते बताते आपका ब्रांड के बारे में ज़्यादा आपने बता दिया, आपके ब्रांड को प्रमोशन करने के चक्कर में बहुत सारा डिटेल्स वहाँ पे दे दिए आपके ब्रांड का, तो ये मत कीजिएगा। जितना आपका प्रोडक्ट का कंटेंट है, जितना आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स है, वही वहाँ पे डालिए ताकि कस्टमर को पता चले, बायर को पता चले कि क्या इन्फॉर्मेशन क्या है आपके प्रोडक्ट के अंदर, क्यों आपका प्रोडक्ट परचेस करे। तो ये आप ज़रूर ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा मत कीजिए कि आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा वहाँ पे कंटेंट डाल दिया, तो ये ऐसा मत कीजिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वह बुलेट पॉइंट में डालिए, स्पेशल जो फीचर्स है वो बुलेट पॉइंट में डालिए, और एक्स्ट्रा जो कंटेंट होगा वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। तो ऐसे करके आप अपना जो लिस्टिंग है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपका जो ये जो आप 5 टिप्स मैंने आपको बताई है आप फॉलो करेंगे तो आपका जो अमेजन का लिस्टिंग है वो आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मेरे को देना था, और मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था मैं क्यू एंड ए सेशन करने वाला हूँ इस मंथ की एंड में, तो वहाँ पर भी उस जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला उसके कमेंट बॉक्स में भी जाके मेरे से पूछ सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो वहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं वो इस मंथ का नेक्स्ट लास्ट में जो मैं क्यूएसएन का वीडियो में डालूंगा तो वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपका क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं, या तो भी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी जाके मेरे से पूछ सकते हैं, और उसका आंसर मैं क्यूएन सेशन के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और मेरा हमारा फेसबुक पेज का लिंक और टेलीग्राम का लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप प्लीज़ चेक कीजिए तो आपको वहाँ से भी उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो ये वीडियो इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।